हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो ये जो वीडियो है ये मेरा नवरात्रि के फर्स्ट डे का है। तो फर्स्ट डे में तो सभी लोग घर में व्रत रहते हैं, इसके लिए मैंने उनके लिए बटाटा पहले बॉईल किया। बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में कट किया, उसके बाद टमाटर, धनिया और मिरी मरीच जो बोलते हैं ना, हाँ, मिर्च को अच्छे से कूटा था वो, और सेंधा नमक जो उपवास का नमक होता है वो डाल के मैंने उन लोग के लिए ये बनाया बटाटा। तो मैं नहीं खाती सेंधा नमक, इसके लिए मैं मेरे लिए बनाऊंगी साबूदाना की, मतलब खिचड़ी, साबूदाना खीर जिसको बोलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा साबूदाना जो था उसको भिगा के रख लिया था अच्छे से, फिर उसको घी में थोड़ा सा रोस्ट किया, फ्राई किया, फ्राई करके फिर उसको दूध में रख दिया पकने के लिए, क्योंकि मुझे ना पानी वगैरह डाल के अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता ये, बट 9 डेज़ का सवाल है, 9 डेज़ व्रत रखना है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप बटाटे कैसे बनाते हैं या फिर साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाते हैं, साबूदाना खीर। तो उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिया था ढेर सारा, उसको अच्छे से रोस्ट किया था, छोटे छोटे पीसेस कट किए थे। उसके बाद जब भी साबूदाना पक गया अच्छे से, तो उसमें मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि अगर शक्कर वगैरह पहले डाल देते हैं और ये ड्राई फ्रूट, तो साबूदाना बराबर से पकता नहीं है, काफ़ी टाइम जाता है। उसके बाद लास्ट में मैंने डाला ये शुगर, मीन शक्कर। शक्कर डालने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा और दूध डालूंगी, तो देखना ये मेरी अच्छी से खीर बन के रेडी हो गई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप साबूदाना खीर कैसे बनाते हैं और आप बटाटा फ्राई फास्टिंग के लिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये उपवास का था और ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रही, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने वीडियो बना के रखा बट मैंने डाला नहीं था। काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे, कम से कम 1 मंथ होने पाया मेरा कोई वीडियो या ब्लॉग जल्दी जा नहीं रहा, काम कर जा रहा होगा, नहीं तो नहीं जा रहा। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा दूध डाला, क्योंकि बाद में ना साबूदाना इतना अब्जॉर्ब कर लेता है ना कि सूखा हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा पतला रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग ज़रूर अपने कमेंट में बताइए कैसा लगा।